एक सोशल काम काम करने वाले हैं, एक आवाज है लेबर स्क्वायर की, और मैं समझता हूँ कि सरपसंदों ने इस वाक्य को आड़ बनाकर लसानियत उभारते हुए उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की है, ताकि ऐसा आदमी जो गहरे के खिलाफ स्टैंड लेता है, जो जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेता है, ये बिल्कुल रफाली नहीं कर रहा। हर जगह ये होता है, हर सोसाइटी में ये होता है कि जो भी आदमी बुराई के खिलाफ खड़ा होगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, ज्यादा के खिलाफ खड़ा होगा, ये सरपसंद नाजर इकट्ठा होकर उसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी वारदाई करे ताकि वो खामोश होने पर मजबूर हो जाए। इसलिए मैं अदारों से साफ दरख्वास्त करूंगा कि इस वाक्य को मेरिट की बुनियाद पर लिया जाए, इसकी मेरिट की बुनियाद पर तहकीकात की जाए, और तमाम मुतलका लोग जिनके साथ ज्यादा हुई है उनको इंसाफ किया जाए, चाहे वो आलम मरी हो, चाहे वो दूसरे जामी हो, चाहे वो कारी सजाद हो, चाहे वो उनके भाई हो, चाहे लेबर स्टाइल वो लोग हैं जिनके घरों पर पथराव किया गया। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो लोग जिनकी आज तक दुकानें बंद करवाई जा रही है, लेबर स्टाइल में आज तक बदमाशी हो रही है, बदमाशी का बहुत कैम्प हुआ है, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। उसमें चाहे हमारा भाई आता है तो उसको भी लटकाया जाए, चाहे कोई दूसरा आता है तो उसको लटकाया जाए। मैं दोबारा यह अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के वास्ते कानून के बालादस्ती कायम की जाए, खुदा के वास्ते कानून के बालादस्ती कायम की जाए, खुदा के